दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? इसमें हर किसी की अपनी अलग अलग राय होगी। कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा नाम, तो कोई बोलेगा सोना चांदी प्रॉपर्टी। पर दोस्तों, ध्यान से समझोगे तो ये सब चीजें लाइफ में तुम कभी भी खरीद सकते हो या पा सकते हो। पर दुनिया में एक ऐसा भी चीज है जिसे तुम करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते, ना तुम ना हम और ना ही मुकेश अंबानी, जिसका नाम है टाइम, आपका समय। दोस्तों, आप टाइम को खर्च करके पैसा बना सकते हो, पर पैसे को खर्च करके टाइम नहीं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, अपना गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं ला सकता, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। इफ यू वेस्ट योर टाइम देन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, सो सेव योर टाइम फॉर ब्राइटर फ्यूचर। और मजे की बात यह है कि ये सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे यूज करके लीजेंड बन जाते हैं और बाकी के लोग इसे फालतू की चीजों पर वेस्ट करके लल्लू बन जाते हैं और अपने किस्मत को दोष देते रहे। दोस्तों, किसी को पैसे देने से पहले भले ही मत सोचना, पर किसी को टाइम देने से पहले 100 बार सोचना कि हम अपना टाइम किसे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। दोस्तों, आपको अपने टाइम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर दूसरों से गप्पे लड़ाने में वेस्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि लोग हमें पसंद करते हैं, हम लोगों को जोक सुनाते हैं, लोग हमसे खुश रहते हैं? तो ये सब छोड़ो, क्योंकि 4 साल के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे जोक्स की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत की वजह से याद करते हैं। लोगों के जोक्स और मजाक पर ध्यान मत दो, वरना एक मजाक बनकर रह जाओगे। तो अपने टाइम को अच्छी जगह और अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करो। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, थक गए हो, तो अच्छे लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ। ये साला तुम्हें धक्का मार के आगे पहुंचा देंगे। और आज आपका भाई कुछ ऐसे ही टिप्स देने वाला है जिससे कि आप फोकस करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। पहला है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। जब भी कोई काम करने बैठो तो अपने पास एक पेपर और पेन लेकर बैठो और उस टाइम इंटरवल में जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लिस्ट बना लो और खुद से वादा करो कि आने वाले 2-4 महीने में मैं ये डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दूंगा। मानता हूँ कि आसान नहीं है, चाह लो तो मुश्किल भी नहीं है। और दूसरा है, सही कार्य के लिए सही टाइम चूज करना। सबसे इम्पोर्टेंट काम को तब करो जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, जैसे कि सुबह में, और बाकी कार्य को उनके बेस्ट टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना। और तीसरा है दोस्तों, जो भी कार्य कर रहे हो या सीख रहे हो, उसे इस तरीके से सीखना कि इसके बाद किसी को उसके बारे में बताना है तो आप में उसे सीखने के लिए एनर्जी बढ़ जाएगी और आपको उसे और अच्छे से सीखने में हेल्प मिलेगी। तो इन तरीकों से आप अपने टाइम को सेव करके उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग पैसे से ज्यादा टाइम को वैल्यू देते हैं। किसी ने कहा भी है कि टाइम के पास इतना टाइम नहीं कि आपको दोबारा टाइम दे सके। तो इसे सोच समझ के वेस्ट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।